हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YMM लर्निंग यूट्यूब चैनल। ठीक है, जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है J&K बैंक के लिए एप्टीट्यूड का सेक्शन। ठीक है, एप्टीट्यूड 35 नंबर की एप्टीट्यूड J&K बैंक में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, और इसमें जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है PNC, मीन्स की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं PNC। ठीक है, यहाँ पे हम मैं पहले आपसे कुछ बेसिक चीज़ें इसमें जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उनको डिस्कस करूँगा। ठीक, क्या हमारे पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे अब हम इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम बिल्कुल बेसिक में जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे पहला पहला जो बेसिक पॉइंट होगा हमारे पास, जब भी या, और इसको बोल सकते हैं चॉइस। ठीक है, या और चॉइस, जहाँ और इसको हम कैसे लिखते हैं, और कि जब भी क्वेश्चन में चॉइस होगी, चॉइस दी होगी, इसको सिलेक्ट करना है और इसको, इन दोनों में से एक आना चाहिए, या और लिखा होगा। ठीक है, उधर हम लिखते हैं प्लस। ठीक है, प्लस रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, या क्या, कहाँ पे, जहाँ पे चॉइस होगी और होगा, और उसको हम प्लस लगाएंगे। ठीक, और जहाँ पे नो चॉइस, मीन्स क्या, हमारे कोई चॉइस नहीं होगी। एग्जांपल, मान लें कि हमारे पास दो लड़के हो गए, दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को, वहाँ पे क्या लिखा होगा इंग्लिश में। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा एंड। ठीक है, एंड का मतलब नो चॉइस, और का मतलब चॉइस, वहाँ पे दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करना है, और इसको हम मैथमेटिक्स में यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई से रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट हो, और इसी पॉइंट को हम प्रोबेबिलिटी में इसको यूनियन से डिनोट करते हैं, और इसी को हम इंटरसेक्शन में डिनोट करते हैं, मीन इसकी यूनियन यू और ये इंटरसेक्शन। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी में इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी का ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ख़त्म करेंगे, उसके साथ ही हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये पॉइंट हमें ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे भी और एंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक, और हमारे पास दूसरा एक बेसिक पॉइंट होगा, वो है फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल, ठीक है, इसको इस ऐसे डिनोट करते हैं इसको, फैक्टोरियल को। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 3 का फैक्टोरियल देखना होगा, तो हम कैसे देखेंगे उसको। 3 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं, 3 × 2 × 1 और इक्वल टू 6, में इसके जो भी नंबर हमें दिया होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है जब तक कि वो 1 ना पूछे। जैसे कि यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, ठीक है, 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमें। ये हमारे पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इधर, ठीक है, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।